Hello everyone, this is Sarthak Sharma and in this video we are going to discuss current affairs for 3rd July 2018. 3 July 2018 से जितने भी current affairs के topics हैं जिनसे competitive exams में questions बनने की सबसे ज्यादा उम्मीद है वो सभी questions हम इस video में आपके साथ discuss करेंगे प्लस हम करेंगे उनका डिटेल्ड एनालिसिस और जानेंगे उनका बैकग्राउंड भी साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और अगर आपको उसका आंसर पता है तो वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा So friends, here is the thought of the day and what does it says? It says that a quitter never wins and a winner never quits. तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काम करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि वो इस काम को नहीं कर पाएंगे या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा कठिन है टफ है और मैं इसे नहीं कर पाऊंगा सो जो ऐसे लोग होते हैं वो हैं क्विटर और वो कभी भी जीत नहीं पाते क्योंकि उन्होंने पहले ही ये मान लिया है कि वो ये काम नहीं कर पाएंगे बट जो विनर होता है उसकी ये खासियत होती है कि वो पहले से ही जानता है कि उसे कुछ कर दिखाना है उसे पहले से ही ये लगता है कि वो मेहनत करेगा तो वो किसी काम को कर पाएगा किसी कंपटीशन में पास हो पाएगा तो अ विनर नेवर क्विट्स वो कभी भी क्विट नहीं करता है और इसीलिए वो विनर कहलाता है सो फ्रेंड्स आप भी अपने जीवन में अपनी लाइफ में विनर बने क्विटर ना बने And with this, let's move on to our the question from our last video. And it says, which country will host the first ever BIMSTEC military exercise in 2018? 2018 में BIMSTEC की पहली military exercise होने वाली है, तो ये कौन सा देश host करेगा? And your options were A. Thailand, B. Bangladesh, C. India, और डी श्रीलंका सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज सी इंडिया इंडिया ही वो कंट्री है जो 2018 BIMSTEC मिलिट्री एक्सरसाइज को होस्ट करेगी एंड लेट्स टेक अ लुक अबाउट व्हाट BIMSTEC इज सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया विल होस्ट फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ BIMSTEC एंड द फुल फॉर्म ऑफ BIMSTEC इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंट्रीज इन सितंबर 2018 इन पुणे महाराष्ट्र तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज पुणे महाराष्ट्र में होगी इंडिया में प्लस BIMSTEC की फुल फॉर्म जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स तो ये आपको पता होना चाहिए प्लस BIMSTEC इज द सब रीजनल ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया लाइंग इन एडजेसेंट एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल कंस्टिट्यूटिंग कॉन्टिगुअस रीजनल यूनिटी सो जो BIMSTEC कंट्रीज हैं दे आर 7 कंट्रीज जो कि बे ऑफ बंगाल के आसपास ही हैं सब कंट्रीज एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 6 जून 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन ढाका बांग्लादेश प्लस फ्रेंड्स BIMSTEC का जो इम्पोर्टेंस है वो हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़ चुका है बिकॉज जो सार्क है उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान इन इट और पाकिस्तान का जो है विरोध करता है इंडिया बिकॉज पाकिस्तान जो है वो टेरर को बढ़ावा देता है इस वजह से जो है सार्क की जो इम्पोर्टेंस है वो साउथ एशियन रीजन में कम होती जा रही है बट जो BIMSTEC की इम्पोर्टेंस है इसी के साथ बढ़ती जा रही है साथ ही BIMSTEC की हम मेंबर कंट्रीज़ देख लेते हैं पहले सो द मेंबर कंट्रीज़ आर इंडिया एंड नेपाल भूटान एंड म्यांमार दिस हेयर इज़ सॉरी दिस हेयर इज़ बांग्लादेश हेयर इज़ म्यांमार एंड दिस हेयर इज़ थाईलैंड एंड हेयर इज़ श्रीलंका प्लस फ्रेंड्स अगर आपको जो है ये कंट्रीज़ के नाम याद नहीं होते हैं तो एक निमोनिक है जिससे आप इसे याद रख सकते हैं BIMSTEC में भी 7 लेटर्स हैं और 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं और हमें इतना तो आइडिया है ही कि ये कंट्रीज़ बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे बी फॉर बांग्लादेश आई फॉर इंडिया एम फॉर म्यांमार एस फॉर श्रीलंका टी फॉर थाईलैंड
एंड प्लस ई सी को आप जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं नेपाल और भूटान में, क्योंकि नेपाल भूटान को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये इंडिया के साथ ही रहते हैं ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप इस तरह से इस निमोनिक से ये मेंबर कंट्रीज़ याद रख सकते हैं। प्लस बीमस्टेक की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है बिकॉज इंडिया का जो इनिशिएटिव है दैट इज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके तहत ट्राई लेटरल हाईवे जो है वो बन रहा है थ्रू इंडिया एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर इंडिया एंड इट विल गो थ्रू म्यांमार एंड देन थाईलैंड। तो ये तीन देशों का ट्राई लेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो जिसकी इंपॉर्टेंस भी है बीमस्टेक में ही। सो फ्रेंड्स आप ये सब पॉइंट्स याद रखिए एंड विद दिस लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड द क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018। तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018 में किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में इंडक्ट किया गया है एंड योर ऑप्शंस आर ए सचिन तेंदुलकर, बी वीरेंद्र सहवाग, सी राहुल द्रविड़ और डी सौरव गांगुली। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज सी राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को ही आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018 में इंडक्ट किया गया है। प्लस आईसीसी की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन दुबई दैट इज यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल। सो फॉर्मर इंडियन कैप्टन राहुल द्रविड़ एंड फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, दे बोथ हैव बीन इंडक्टेड इन टू द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम फॉर देयर स्टुपेंडस अचीवमेंट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं उनकी वजह से ही राहुल द्रविड़ और रिकी पॉन्टिंग दोनों को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018 में इंडक्ट किया गया है। अलॉन्ग विद द्रविड़ एंड पॉन्टिंग रिटायर्ड इंग्लैंड वुमेन विकेट कीपर बैटर, तो वो विकेट कीपर और बैट्समैन भी हैं एंड हर नेम इज क्लेयर टेलर, वॉज ऑल्सो नेम्ड इन द हॉल ऑफ फेम ड्यूरिंग अ सेरेमनी इन डब्लिन आयरलैंड ऑन July 1, 2018। तो ये जो सेरेमनी थी हॉल ऑफ फेम के लिए ये 1 जुलाई को हुई थी इन आयरलैंड कैपिटल दैट इज डब्लिन। और इसमें फिर अब कहा जाए तो 3 जो हैं खिलाड़ी इंडक्ट किए गए हैं, राहुल द्रविड़, रिकी पॉन्टिंग एंड क्लेयर टेलर। प्लस आपको इनका नाम भी याद रखना पड़ेगा बिकॉज ऐसे अवार्ड्स में जो साइड अवार्ड्स जिन्हें हम कह सकते हैं जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होते हैं वो ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है एग्ज़ाम्स में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लेयर टेलर को भी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है एंड विद दिस राहुल द्रविड़ बिकेम ओनली द 5th प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू बी नेम्ड इन दिस एलीट लिस्ट ऑफ हॉल ऑफ फेमर ऑफ आईसीसी क्रिकेट एंड द अदर 4 इंडियंस आर फॉर्मर स्किपर्स बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव एंड अनिल कुंबले। तो इन 4 प्लेयर्स को पहले हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जा चुका है इंडिया से, दे ऑल वर इंडियन कैप्टन्स एट सम टाइम। प्लस राहुल द्रविड़ जो है वो 5वें खिलाड़ी बन गए हैं जिनको इंडक्ट किया गया है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018 में। सो दिस इज ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स। प्लस फ्रेंड्स हेयर आर सम कोर्सेज विच वी हैव क्रिएटेड फॉर यू एंड दीज इंक्लूड गेट CSE IT, UGC NET एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड देर आर सम न्यू कोर्सेज फॉर DSSSB एंड KVS PGT TGT टीचर एज वेल एज UPPSC LT ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट। सो वी आर कवरिंग ऑल द टेक्निकल एग्जामिनेशंस विच अकर थ्रू आउट द ईयर and so if you want to take our courses then you can call us on the given number that is 9821876104 and you can use 02 in place of 04 or you can contact us at our given email id that is admin@gatelectures.com. So these are comprehensive courses having the full coverage of the syllabus and will definitely help you to prepare and score better in your examinations. So friends, let's move on to our next question now.
So friends, here is our next question and it says, who has recently launched solar charkha mission in India? हाल ही में सोलर चरखा मिशन इंडिया में किसने लॉन्च किया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी राजनाथ सिंह और डी नितिन गडकरी. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज बी रामनाथ कोविंद. जो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं, उन्हीं ने सोलर चरखा मिशन को लॉन्च किया है. सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लॉन्च्ड सोलर चरखा मिशन अंडर विच गवर्नमेंट विल डिसबर्स सब्सिडी ऑफ रुपीज़ 550 करोर टू थाउजेंड्स ऑफ आर्टिसंस जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज. तो जो रूरल एरियाज़ में आर्टिसंस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो है ये इसका मेन एम है सोलर चरखा मिशन को, और इसके अंडर जो है सब्सिडी दी जाएगी इन आर्टिसंस को ऑफ रुपीज़ 550 करोर इन टोटल. प्लस दिस सोलर चरखा मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ उद्यम संगम, दैट इज़ द नेशनल MSME कॉन्क्लेव ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड MSME डे विच वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जून. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड MSME डे, दैट इज़ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे, एंड द आंसर वॉज 27 जून. तो आपको ये तो याद रखना ही है. साथ ही एक नया फैक्ट इसमें जुड़ गया है कि इस वर्ल्ड MSME डे को इंडिया ने मनाया था नेशनल MSME कॉन्क्लेव के साथ, जिसे हिंदी में कहा गया उद्यम संगम, और इसी में जो है ये सोलर चरखा मिशन लॉन्च किया गया है. एंड दिस मिशन विल बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रख लीजिए, बिकॉज इसका नाम जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सोलर चरखा मिशन और ऑप्शन में हो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं. तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट सोलर चरखा मिशन विल वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज. एंड अंडर दिस मिशन दिस मिनिस्ट्री विल कवर 50 क्लस्टर्स across the country, including in the northeast, and each cluster will employ 400 to 2000 artisans. So friends, ये जो mission है ये cluster approach में work करेगा, जिसमें around 50 clusters बनेंगे ऑल ओवर इंडिया में. नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो उसमें इंक्लूडेड है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा फिर मिशन. प्लस हर क्लस्टर में 400 टू 2000 आर्टिसंस रखे जाएंगे जो इस इनिशिएटिव में पार्ट लेंगे. प्लस जो सोलर चरखा मिशन है, इट्स अल्टीमेट एम इज़ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन इकोनॉमी. सो फ्रेंड्स, जो ये सोलर चरखा मिशन है इसमें होगा क्या, इसमें चरखा प्रोवाइड किया जाएगा रूरल एरियाज में आर्टिसंस को, जो इस चरखे को यूज़ करके जो है कपड़ा बना सकते हैं, खादी के कपड़े बना सकते हैं, जो कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. प्लस ये जो चरखा है ये चलेगा सोलर एनर्जी से, तो इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन इकोनॉमी इन इंडिया. एंड इट ऑल्सो एम्स एट लिंकिंग 5 करोड़ वुमेन अक्रॉस द कंट्री टू द इनिशिएटिव. तो 5 करोड़ महिलाओं को भी लिंक करने का काम करेगा ये इनिशिएटिव. तो प्रेफरेंस दी जाएगी रूरल एरियाज़ में वुमेन को, उन्हें ये चरखा प्रोवाइड किया जाए ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और एम्प्लॉयमेंट के साथ जो है ग्रीन इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है वो भी फुलफिल हो. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट इट एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. एंड आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट खादी मॉल. भारत के किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला खादी मॉल बनाने के लिए अनाउंस किया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज़ बी
झारखंड, झारखंड में जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उन्हीं ने अनाउंस किया है भारत का पहला खादी मॉल बनाने के लिए। प्लस इसका बैकग्राउंड देखने से पहले मैं बता देता हूं कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नीतीश कुमार, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, एंड मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। तो चलिए देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड। सो द झारखंड चीफ मिनिस्टर रघुबर दास, तो उनका नाम है रघुबर दास, वो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको उनका नाम याद रखना पड़ेगा। ही अनाउंस्ड दैट द फर्स्ट खादी मॉल ऑफ द कंट्री विल बी ओपन्ड इन झारखंड। सो ये फैक्ट आप याद रखिए। एंड द लैंड इन द हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कैंपस विल बी मेड अवेलेबल टू द खादी बोर्ड टू डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट खादी मॉल। सो जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो इस ही ने जो है लैंड प्रोवाइड की है खादी मॉल को बनाने के लिए झारखंड में। प्लस द चीफ मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एडिंग आर्टिसंस विद टेक्नोलॉजी एंड मार्केट टू एनकरेज देम टू डू वैल्यू एडिशन। तो जो इस मौके पर जो है चीफ मिनिस्टर ने साथ में ये भी कहा है कि टेक्नोलॉजी और मार्केट दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे आर्टिसंस को, जिससे वो अच्छा खादी प्रोडक्ट बना सकें, उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें, और उनका सामान जो है वो बाजार में बिक सके, मॉल तक पहुंच पाए। एंड ही ऑल्सो अंडरलाइंड द रोल ऑफ अर्बन मार्केट अलॉन्ग विद रूरल हार्ट्स, जो रूरल जो मार्केट्स होते हैं उन्हें हार्ट कहते हैं, एंड टूरिस्ट स्पॉट्स विच कैन बी पोटेंशियल मार्केट फॉर द लोकल्स। प्लस द चीफ मिनिस्टर रीइटरेटेड द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग टर्न अराउंड इन फेट ऑफ द विलेजर्स ऑफ द स्टेट थ्रू मासिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स, ये फैक्ट्स जो है आप याद रखिए, मेन यहाँ पर यही है कि जो खादी मॉल है भारत का पहला, वो बनेगा झारखंड में, एंड दिस स्टेट हेयर इज़ झारखंड। एंड इसके थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। द कैपिटल ऑफ झारखंड इज़ रांची, एंड द चीफ मिनिस्टर इज़ रघुबर दास, द करंट गवर्नर इज़ द्रौपदी मुर्मू, एंड द स्टेट एनिमल इज इंडियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड इज एशियन कोयल, स्टेट फ्लावर इज पलाश, एंड स्टेट ट्री इज साल ट्री। सो फ्रेंड्स, आप ये जो फैक्ट्स हैं ये झारखंड के बारे में याद रखिए, एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो फ्रेंड्स, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर यूएन्स इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। पहला यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म किस दिन मनाया गया? एंड योर ऑप्शंस आर ए 27 जून, बी 28 जून, सी 29 जून, और डी 30 जून। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, दैट इज 30 जून। एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल। सो द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 30th June 2018 टू रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल। जो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पीपल ऑफ दैट कंट्री, और उनकी इम्पॉर्टेंस और उनकी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं को रिकग्नाइज करने के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस ने पहला इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म डिक्लेयर किया और सेलिब्रेट किया 30th June 2018 को। एंड दिस डेट वॉज चूजन बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, दैट इज़ UNGA, इन अ रिजोल्यूशन। ये इस रिजोल्यूशन का नंबर है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड द रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन May 22nd एज इट कोइंसाइड्स विद द डे इन 1889 ऑन विच द इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन, द ग्लोबल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्स वॉज फाउंडेड। तो इस ही दिन को 30 जून को जो है 1889 में इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन बनाई गई थी, एंड इट वाज अ ग्लोबल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्स। तो जो जितने भी देशों में उस समय पे पार्लियामेंट्स थी वो उसका पार्ट थी इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन को।
तो ये जो फॉर्म हुई थी 30 जून को, इसी को कमेमोरेट करने के लिए जो है यूएन ने 30 जून को चुना है एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म। एंड फ्रेंड्स, द पार्लियामेंटरी सिस्टम्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज बाई कैमरल एंड यूनिकैमरल। तो जो इंडिया में है, वी हैव बाई कैमरल पार्लियामेंटरिज्म, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 79 आर बाई कैमरल एंड 114 आर यूनिकैमरल, मेकिंग अ टोटल ऑफ 272 चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट विद ओवर 46,000 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सब जो फैक्ट्स हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। प्लस द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इज द अल्थिंगी, द आइसलैंडिक पार्लियामेंट फाउंडेड इन 930। सो जो 930 AD में आइसलैंड में सबसे पहली पार्लियामेंट बनी थी, जिसका नाम था अल्थिंगी। प्लस फ्रेंड्स, आप ये भी जो फैक्ट है याद रखिए, दैट पार्लियामेंट इज मेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ थ्री ऑर्गन्स, देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ इट, दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा, प्लस द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो, इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन हिमसेल्फ। और ये तीन जो हैं, ये मिलकर बनाते हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो फ्रेंड्स, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द नेशनल कालिदास सम्मान इन विजुअल आर्ट्स बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इनमें से किसे नेशनल कालिदास सम्मान मिला है विजुअल आर्ट्स में, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है। एंड फ्रेंड्स, योर ऑप्शंस आर ए कलामंडलम गोपी, बी एंजोली इला मेनन, सी सतीश गुजराल और डी पुट्टराज गवई। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज बी एंजोली इला मेनन। एंड जो ये अवार्ड है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। द नेम ऑफ द अवार्ड इज नेशनल कालिदास सम्मान। एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल। सो एंजली इला मेनन द वेल नोन मुरैलिस्ट। सो जो मुराल पेंटिंग्स होती हैं, वो जो है एंजली इला मेनन जो है, वो मुराल पेंटिंग्स के लिए जानी जाती हैं अपनी। एंड शी हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल कालिदास सम्मान बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन डेली फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन विजुअल आर्ट्स। तो जो ये अवार्ड्स दिए गए, ये दिल्ली में दिए गए। एंड द अवार्ड वॉज कन्फर्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हर इंसाइटफुल एंड सेंसिटिव पोर्ट्रेल ऑफ द आइडेंटिटी एंड स्पिरिट ऑफ वुमेन थ्रू हर मीनिंगफुल पेंटिंग्स इन अ वेराइटी ऑफ मीडिया। तो जो एंजली इला मेनन है, उनको ये अवार्ड मिला गया है टू रिकॉग्नाइज हर इंसाइटफुल एंड इनसेंसिटिव पोर्ट्रेल ऑफ द आइडेंटिटी एंड स्पिरिट ऑफ वुमेन। तो इस थीम पर जो है, वो उनकी पेंटिंग्स ज़्यादातर जो है वो बेस्ड रहती हैं। एंड प्लस मेनन इज काउंटेड अमंग इंडियाज मोस्ट अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट एंड इज द रिसिपियंट ऑफ न्यूमरस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द पद्मश्री। तो उनको पद्मश्री भी मिला है। एंड इफ यू डोंट नो वॉट अ मुराल पेंटिंग इज, सो अ मुराल इज एनी पीस ऑफ आर्टवर्क पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, सीलिंग और अदर परमानेंट सरफेस। तो वो पेंटिंग्स जो डायरेक्टली वॉल पर या सीलिंग पर या किसी परमानेंट सरफेस पर डायरेक्टली बनाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं मुराल पेंटिंग्स। एंड एग्जाम्पल्स आर अजंता केव्स, एलोरा केव्स और जो एलिफेंटा केव्स एट्सेट्रा, जो पुरानी हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक जो केव्स हैं जिनमें पेंटिंग्स मिलती हैं बनी हुई। सो ये सब जो हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ मुराल पेंटिंग्स। एंड फ्रेंड्स, दिस ब्यूटिफुल पेंटिंग जो है, ये बनाई है एंजली इला मेनन ने। सो आप ये देख सकते हैं। प्लस अगर इसको थोड़ा डिसाइफर किया जाए, तो मुझे लगता है यहाँ पर पार्वती पुत्र लिखा हुआ है। सो ये जो है, ये एक तरह से स्टोरी दिखाई गई है। अगर आपको पता है तो ये यहाँ पर जो छोटे से दिखाए गए हैं, वो गणेश भगवान दिखाए गए हैं। एंड शी इज़ पार्वती हर मदर, और ये इनका जो मुंह है, जो शिव जी ने अपने त्रिशूल से काट दिया था, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये एलिफेंट का जो फेस है वो लगाया गया था। सो दिस इज़ अ पुरानी पुरानी
ये जो कथाएं होती हैं उनमें से ये एक है, इफ़ यू नो इट देन इट्स गुड, बाकी नहीं पता है तो कोई बात नहीं। प्लस यहाँ पर फैक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के बारे में, दिस स्टेट हेयर इज़ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश है वो हर साल देता है नेशनल कालिदास अवार्ड, एंड इसकी कैपिटल है भोपाल, करंट चीफ मिनिस्टर इज़ शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर इज आनंदी बेन पटेल, एंड द स्टेट एनिमल इज बारासिंघा, द स्टेट बर्ड इज इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, स्टेट फ्लावर इज वाइट लिली, एंड स्टेट ट्री इज बैनियन बैनियन। सो ये फैक्ट्स जो हैं ये आप याद रखिए मध्य प्रदेश के बारे में, एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द 2018 मेंस हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी, 2018 की मेंस हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी किस देश ने जीती है, एंड योर ऑप्शंस आर ए बेल्जियम, बी अर्जेंटीना, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इंडिया। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस। सो ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम हैज़ वॉन द 2018 मेंस हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी बाई डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल वाया पेनल्टी शूट ऑफ एट ब्रेदा द नीदरलैंड्स ऑन जुलाई 1, 2018। तो जो 2018 मेंस हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी है ये हो रही थी नीदरलैंड्स में, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि फाइनल्स हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जिसमें पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया है, एंड इट वाज ऑस्ट्रेलियाज रिकॉर्ड 15th चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल। सो ये ऑस्ट्रेलिया का 15th टाइटल है चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, वाइल इंडिया वॉन देयर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव सिल्वर मेडल। तो लास्ट टाइम जो जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें भी इंडिया को सिल्वर मेडल मिला था, और इस बार भी सिल्वर मेडल मिला है, एंड द होस्ट जो है वो नीदरलैंड्स हैं, दे बैग द ब्रॉन्ज बीटिंग द ओलंपिक चैंपियंस अर्जेंटीना 2-0 इन द थर्ड फोर्थ प्लेस मैच। तो जो थर्ड फोर्थ प्लेस का जो मैच हुआ उसमें नीदरलैंड्स ने ओलंपिक चैंपियंस अर्जेंटीना को हराया। तो फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, दैट इज गोल्ड मेडल गोज टू ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, देन नीदरलैंड्स एट थर्ड पोजीशन एंड अर्जेंटीना एट फोर्थ पोजीशन। प्लस द 2018 हॉकी टूर्नामेंट वॉज द 37th एंड द लास्ट एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी फॉर मेन, एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द हॉकी प्रो लीग दैट इज HPL इन 2019। तो 2019 से जो है ये टूर्नामेंट नहीं होगा, इसकी जगह पर हॉकी प्रो लीग HPL शुरू होगा, और इसका वेन्यू अभी डिसाइड होना बाकी है। सो ये अभी हमें नहीं पता। प्लस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में फैक्ट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल इज कैनबेरा। सो ये आप याद रखिए, इसमें काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टी होती है याद रखने में, बिकॉज देयर आर मैनी गुड नोन सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया लाइक सिडनी, पर्थ और मेलबर्न। तो आप याद रखिए कि कैपिटल जो है वो कैनबेरा है। प्लस द ऑस्ट्रेलियन करेंसी इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड द करंट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इज मेलकॉम टर्नबुल। तो आप ये याद रखिए फैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में, प्लस दिस कंट्री हेयर इज ऑस्ट्रेलिया। तो आप को ये आइडिया होना चाहिए कि इंडिया से किस डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया है। दिस कंट्री हेयर इज इंडोनेशिया, जो ऑलमोस्ट बीच में पड़ती है। दिस कंट्री हेयर इज इंडोनेशिया, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट बीच में पड़ती है, एंड हेयर आर दीज माइक्रोनेशियन कंट्रीज, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। दिस हेयर इज न्यूजीलैंड, एंड दिस हेयर इज फिलीपींस, और अगर आप ये यहाँ पर देखें तो दिस इज़ द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, जहाँ पर पैरासल आइलैंड्स और स्पार्टली आइलैंड्स की वजह से काफ़ी डिस्प्यूट है इस रीजन को लेकर के। सो यू शुड नो दिस रीजन ऑफ द मैप, और ये ऑस्ट्रेलिया है आप याद रखिए। दिस इज़ द कैपिटल हेयर कैनबेरा। सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट इट, एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज CWMA। CWMA की जो पहली मीटिंग होगी उसे कौन
चेयर करेगा एंड योर ऑप्शंस आर ए कविंद्र एच ढोलकिया, बी सूर्यनाथ उपाध्याय, सी भगत सिंह कोश्यारी और डी एस मसूद हुसैन. सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, दैट इज एस मसूद हुसैन. एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल. So on July 2nd, the first meeting of the Kaveri Water Management Authority, that is CWMA, will be held at Central Water Commission, that is CWC office in New Delhi, to resolve disputes over sharing of river water among Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and पुडुचेरी. सो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले तो CWC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन. इट इज़ अ बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर मैनेजमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन. तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए. प्लस इट वर्क्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया. एंड आपको पता होनी चाहिए CWMA की फुल फॉर्म, दैट इज कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी. एंड प्लस ये क्वेश्चन जो है आजकल ये काफ़ी फेमस है, बिकॉज ये हिमाचल प्रदेश PCS का जो एग्ज़ाम हुआ था HPAS, उसमें भी पूछा गया था दैट कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है वो किन राज्यों के बीच में है. सो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड दिस यूनियन टेरिटरी दैट इज़ पुडुचेरी, इन चार जगहों के बीच में जो है ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है. सो ये आपको पता होना चाहिए. एंड द मीटिंग ऑफ द 9 मेंबर अथॉरिटी विल बी चेयर्ड बाय द CWC चेयरमैन एस मसूद हुसैन, हु इज़ आल्सो हेडिंग द कावेरी अथॉरिटी. तो आपको ये फैक्ट भी याद होना चाहिए दैट द चेयरमैन ऑफ CWC दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन इज एस मसूद हुसैन, और वो ही चेयर करेंगे इस मीटिंग को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की. प्लस द मीटिंग विल डिस्कस द इश्यूज इंक्लूडिंग वाटर स्टोरेज इन कावेरी बेसिन रिजर्वर्स, द रिलीज ऑफ कावेरी वाटर टू तमिलनाडु फ्रॉम कर्नाटका एज पर द शेड्यूल एंड ड्यूली कंप्लाइंग विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड. सो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कावेरी वाटर डिस्प्यूट के लिए जो अपना जजमेंट दिया था उसी के बेसिस पर जो है CWMA बनाया गया. सो एज पर सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड CWMA ऑन 1 June 2018, और इसी की ये मीटिंग है और इसमें डिस्कस किया जाएगा कि रिजर्वायर्स में जो कावेरी बेसिन के रिजर्वायर्स हैं उनमें कितना पानी रोका जाएगा और कितना पानी रिलीज किया जाएगा, डिफरेंट स्टेट्स को कितना जो हिस्सा है वो मिलेगा रिवर वाटर का. सो ये सब जो है जो पॉइंट्स हैं ये सब डिस्कस होंगे इस मीटिंग में, जो आपको पता होना चाहिए. एंड प्लस दिस हेयर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ दैट पुडुचेरी कहाँ पर है, बिकॉज काफ़ी लोगों को ये जो है डाउट रहता है. सो दिस प्लेस हेयर इज यनम, दैट इज़ इन पुडुचेरी. दिस हेयर इज पुडुचेरी, हेयर इज कराइकल विच इज़ ऑल्सो इन पुडुचेरी, और यहाँ पर है माहे विच इज़ ऑल्सो इन पुडुचेरी. तो ये चार जगह जो है ये मिलकर बनाती है यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. एंड पुडुचेरी एंड दिल्ली आर द टू यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया विद देयर ओन लेजिस्लेचर. तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए. और यहाँ पर है ये मैप कावेरी रिवर का. सो जो रिजर्वायर्स हैं जैसे हसन में रिजर्वायर है एंड हेयर इज़ द कृष्ण राज सागर रिजर्वायर, और यहाँ पर जो है कबीनी रिजर्वायर है एंड हेयर इज़ मैतूर रिजर्वायर. तो ये सब जो रिजर्वायर्स हैं इनमें कितना पानी रोकना है और कितना आगे जाना है यही सब डिस्कस होगा इस मीटिंग में. सो यहाँ पर दिख नहीं रहा है बट सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कावेरी जो है वो केरला में भी आती है. सो मतलब कर्नाटका और जो तमिलनाडु है जो मैक्सिमम वाटर शेयर है वो इन दोनों के पास ही है. अ स्मॉल शेयर इज़ विद केरला एज वेल एंड द लीस्ट शेयर इज़ विद पुडुचेरी, जो यहाँ पर दिस प्लेस हेयर इज़ पुडुचेरी दैट इज़ कराइकल, और इसके पास भी थोड़ा सा शेयर है बिकॉज ये डेल्टा रीजन में पड़ता है कावेरी रिवर का. सो ऑल दीज फैक्ट्स यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट देम. एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So friends, this is the last question for today and the question says the I pledge for 9 achievers awards
are related to which of the following government schemes? I pledge for 9 achievers awards जो है वो government की किस scheme से related है? And your options are A बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, B प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, C प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और D प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. So friends, the correct answer here is B प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, that is PMSMA. And I pledge for 9 achievers awards were given recently to individuals and teams of doctors for the private sector and states for their exemplary services, outstanding support of institutions and commitment from support partners in achieving PMSMA's objectives of safe motherhood to every woman in the country. So PMSMA का जो main objective है वो है safe motherhood to every woman in the country, और जो I pledge for 9 achievers awards है वो दिए गए हैं PMSMA के under उन individuals और teams ऑफ डॉक्टर्स को जिन्होंने एग्जेम्पलरी काम किया है इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. एंड JP नड्डा, दैट इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्रेजेंटेड द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA आई प्लेज फॉर 9 अचीवर्स अवार्ड्स एंड MMR रिडक्शन अवार्ड्स. तो इस ही अवार्ड फंक्शन में MMR रिडक्शन अवार्ड्स भी मिले हैं. सो आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश जो है, इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें जो है उसको अवार्ड मिला है सबसे ज़्यादा तरक्की करने के लिए, सबसे ज़्यादा रिडक्शन करने के लिए MMR रेट्स में. सो 30% रिडक्शन हुआ है यूपी में MMR में. एंड द फुल फॉर्म ऑफ MMR इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, जो कि कैलकुलेट करता है मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. एंड अबाउट PMSMA, दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सो दिस इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2016. Plus, the aim of the PMSMA is to offer assured, comprehensive and quality antenatal care free of cost to all pregnant women on the 9th date of every month. तो free care और antenatal care free of cost जो है वो provide की जाती है 9th date of एवरी मंथ अंडर दिस प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA. इसकी फुल फॉर्म भी फ्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आर वीडियो, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे. एंड द क्वेश्चन सेज विच सिटी हैज बीन अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 अवार्ड्स. किस भारतीय शहर को सबसे साफ शहर होने का अवार्ड मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 अवार्ड्स में? एंड फ्रेंड्स, योर ऑप्शंस आर ए भोपाल, बी चंडीगढ़, सी इंदौर और डी सूरत. सो फ्रेंड्स, इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, प्लस सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे.